बड़ी खबर आ रही है बोदला से, जहां पर भीषण एक्सीडेंट हुआ है। आपको बता दें कि बोदला से भीषण एक्सीडेंट की खबर सामने आ रही है। जी हां, आगरा के वो व्यस्ततम बोदला चौराहा जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ है। आपको बता दें कि बोदला बिचपुरी पर यह भीषण एक्सीडेंट हुआ है। सड़क हादसे में एक की मौत भी हुई है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप शर्मा के साथ। तो संदीप, इस पूरे मामले में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो ये पूरा जो हादसा हुआ है, ये आपका जो बिचपुरी मार्ग है, बोदला बिचपुरी मार्ग, उस पर एक पूरा ये एक्सीडेंट हुआ है। और थाना जगदीशपुरा क्षेत्र बोदला बिचपुरी मार्ग पर ये दर्दनाक हादसा है। इसमें अगर बात की जाए तो इको कार एक और सफारी कार, टेम्पो और एक्टिवा जो है, ये तीनों चार वाहन जो है एक दूसरे में इनकी भिड़ंत हो गई थी, और जिसके चलते जो है जो एक्टिवा सवार जो युवक था उसकी मौके पर ही जो है मौत हो गई। फिलहाल जो सफारी कार चालक सवार था वो काफी तेज गति में जो है वाहन को चलाता हुआ आ रहा था, और इन तीनों चारों वाहनों से उसकी भिड़ंत हुई है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो है कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों का इलाज जो है मोती हॉस्पिटल है, वहां पर उनको एडमिट कराया गया है, उनको उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस जो है, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी जो है ली जा रही है। जी संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर बता दें कि बोदला बिचपुरी मार्ग पर भीषण एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक की मौत भी हुई है और कई लोग घायल हो चुके हैं। इस सड़क हादसे में एक की मौत हो चुकी है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, और पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।